नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर छिमनलीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे बाते यस जको केते हुचे खे खेती आकलन पई ओडिसा रे सात जणिया केंद्रीय टीम आज बालेश्वर भद्रक जिल्ला रे स्थिति अनुध्यान राज्य सरकार को वरिष्ठ अधिकारी को सह करिवे आलोचना तलमुहा कोरोना ग्राफ देश में दिनक 1,636 नुआ आक्रांत राज्य में 6,118 पॉजिटिव कटक सर्वाधिक 640 आक्रांत गला आउ 41 जीवन मृत्यु संख्या 3,000 पार पिलांको पाई कोवैक्सीन परीक्षण दिल्ली एम्स रे आज स्क्रीनिंग प्रक्रिया आरंभ एम्स पटना रे आउ 7 शिशु नेले टीका तृतीय लहरें पिला अधिक आक्रांत हो आशंकर वैक्सीन देवा पाई आगुआ उद्यम केन्दुचर बलाणी अंचल रे जघन्य खंड साली को कुराड़ी रे हाणी हत्या परे 200 फुट खाल को फिंगी देला भिणोई शाशुर हाथ बांधि दुष्कर्म करथिबा अभियोग अभियुक्त फेरार मृतदेह खोजुछि पुलिस पुणि एक दंता हाथीर मृत्यु उत्तर घुमुसर वनखंड केन्द्रीय वनांचल लाठीपड़ा बीट ढौपोली काजु जंगल ठाप विद्युत तार लागि मृत्यु होता सूचना वन विभाग तदंत आरंभ एवं उत्तर पूर्व भारत में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय आज चारिदिन राज्य विभिन्न स्थान में प्राक मौसुमी वर्षा चारिदिन भितर ओडिशा मुहां एवं मौसुमी 11 उत्तर बंगोपसगर सृष्टि हो लघुचाप बात्या यस क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन ओडिशा रे केंद्र टीम आज क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन में बाहर गृह विभाग जुग्म सचिव सुनील बगवान के नेतृत्व में आसीबा एही सात जणिया टीम आज ए टीम दुईट भाग में विभक्त हो बात्या अंचल गस्त करेंगे चारजणिया टीम प्रथम बालेश्वर जिला गस्त कर तृणमूल स्तर बात्यार क्षति आकलन करेंगे अन्य तीन जणिया टीम भद्रक गस्तर जिते आज एही दुई जिलार स्थिति अनुध्यान करेंगे यहपर आसंका बालेश्वर जा टीम मयूरभंज और भद्रक जा टीम केन्द्रापड़ा जिला गस्त कर क्षतिग्रस्त चारि जिला परिदर्शन कर रिपोर्ट प्रदान करेंगे ए टीम राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी सहमति आलोचना करेंगे मे 28 रे ओडिशा गस्तर आसी आकाशमार्ग बात्यार क्षयति अनुधान करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यापर तत्क्षणात ओडिशा को 500 कोटी पैकेज घोषणा करते प्रधानमंत्री बात्या यस मोट 610 कोटी टंकार क्षयति होते मुख्यमंत्री एथिरे 520 कोटी सरकारी भित्तिभूमि और 90 कोटी बेसरकारी संपत्ति रही इस संपर्क में अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि दीप्ति रंजन दीप्ति रंजन आज जेहेतु केन्द्रीय टीम गस्त कर केन्द्र टीम दुई भाग में मध्य विभक्त हे गोटे टीम जी बालेश्वर मयूरभंज और आ गोटे टीम केन्द्रापड़ा ता सहित भद्रक जी तो टीम केतबेले पहुंचबो आपन पाखरे किछ सूचना रही कि सपोर्ट करने जिला प्रशासन प्रस्तुति केमी रही खासकर को अंचल गस्त कर कार्यक्रम रही दीप्ति दीप्ति टीम केतबेले पहुंचिबे को अंचल गस्त करिवार कार्यक्रम रही हाँ निश्चित भाव नीलिमा देखो कहीं ये टीम आसी जहाँ सूचना रही ये जो चांदबाली ब्लॉक रो धामरा अंचल एवं जो बासदेव ब्लॉक रे जे पहुंचिबे वर्तमान सूचना रही आसीबार जो रास्ता अच्छा बोली जहाँ सूचना रही पहुंची ना जी हम आ कि समय मध्य पहुंचे और जो बात्या क्षयति होती जो अंचल रही चांदबाली अंचल कथा कहतु चांदबाली ब्लक धामरा अंचल कथा कहतु बासदेवपुर अंचल कथा कहतु दुईट ब्लक में जो बात्यार जो क्षयति अंचल अच्छी परिदर्शन करेंगे और जिला प्रशासन सहित बैठक करेंगे जी देखा जावा नीलिमा आम पाखे किसी साधारण भद्रक जनसाधारण अच्छा प्रतिक्रिया ना से क्यों प्रकार जो बात्यार जो क्षयति जो आकलन करे पूर्व देखा जावा जो राज्य सरकार पाखे मौजूद था जो प्राकृतिक विपर्य नहीं 1,198 कोटी टंका से पूर्व अच्छी किंतु यही चलित थर देखा जावा बात्या यस पूर्व एंड एप्रिल 29 तारीख एनडीआरएफ पक्षर 641 कोटी 60 लक्ष टंका घोषणा करा परवर्त समय जिते बात्या जिते प्रधानमंत्री आसते बात्या परिदर्शन करते 500 कोटी टंकार जो सहायता घोषणा करते तेज देखा जावा राज्य जी सब मिसेक देखिए 2,349 कोटी टंकार मौजूद अच्छी जो सहायता राशि कहीं खर्च हो पार नहीं आम जनसाधारण किसी प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहते हैं राज्य सरकार प्राकृतिक विपर्य पर पर्याप्त अर्थ अच्छी कौन खर्च कर पर्याप्त अर्थ अच्छी कौन खर्च कोऑर्डिनेशन अभाव
प्रशासन एवं सरकार भितर जो भागमाप रहा कथा सामंजस्य जे तालमेल तालमेल खाऊनी प्रशासन भद्रक प्रशासन हो कि जेकोसी जिलार प्रशासन हो सांगे सरकार जो भागमाप रहा कथा रोना जहाद्वारा कि जो टंका आसूची राजनैतिक इंटरफेरेन्स हो कि जो इंटरफेरेन्स हो लोक मैंने जो फायदा पाइबा कथा पा ना फॉर एग्जांपल जदि शह शह कोटी टंकार केन्द्र अनुदान दौर ता आसिक डिजास्टर मैनेजमेंट पड़ी कि रोचे एंकर जेहेतु एने खर्च कर पार ना बारंबार केन्द्र को मगुच्च सब खुशी कथा एने मागवा पूर्व 641 कोटी समथिंग्स पड़ी आसला टाँव पुणी थे भिजिट कर मानवर प्रधानमंत्री देदेले 500 कोटी टाँचा एक आगु 1100 समथिंग्स कोटी टाँचा अच्छी अरे जो तो खर्च कर पार ना खाली टाँचा मागिले कौन हम टा यहीप खर्च कर पार ना एम जो ऑफिशियली रिपोर्ट जाऊँ सरकार स्तर में जो रिपोर्ट होती तार किसी भागमाप रोना भागमाप रोना तेणु से समस्त डरुं टाटा खर्च करदे ऑडिटेबल हम कि किसी गोटे हम से बर टा फेरी जाऊ लोक मैंने साज न पातु किंतु निजर अहं मनोभाव को बचेवा को जाकिन को बदनाम करने को जाकिज हिसाब से निजे चली आप देखिए जे धामरा एरिया पूरा बुड़ी बालेश्वर एरिया पूरा बुड़ी बात्यारे जो हिसाब से करवा कथा मैनेजमेंट 1100 केत कोटी टंका अच्छी सरकार जदि प्रिकसन नहीं पारि था एरिया आम समुद्र बेलाभूमि लग रही जदि उच्च ज्वार आसो तो से एरिया डूबी और धनजीवन बहुत क्षय क्षति हो कितु टंका रखिक बसी खर्च करूना लोकंर धनजीवन क्षति होपर आसिक आहा कर 50 जनकर क्षति अच्छी 500 जनकर रिपोर्ट जाऊँगी जदि भी तुम्हें 500 जनकर रिपोर्ट दौ से 500 जन को सहायता कर ना लोक मैंने किसी उपकृत हूँ भी से सहायता कर पार ना आवास योजना आस प्रत्येक वर्ष शह शह योजना कितु ठीक बनिया आसापर आज्ञा आम उद्धार कार्य जारी आर कि उद्धार कर वर्ष वर्ष धरी टंका आसूसी वर्ष वर्ष धरी सब आसूँ केन्द्र जो हिसाब से राज्य कहे मत केन्द्र अवहेला कले सब बोलवा बाहुल्य केन्द्र कौ प्रधानमंत्री सांगे सांगे 641 कोटी दिल्ली बसिक दब पुणी सांगे सांगे 500 कोटी आसिक देदेव कि ये तो आम मुख्यमंत्री कहले ना आम सहाय दरकार ना आम पाकर यथेष पांच अच्छी जड़े जेहेतु देशर मुरबी सी से पठेले टाँचा कि जो टाँचा अच्छी आम तरफ आम चाहूँ जो आम जेहेतु मानव प्रिय मुख्यमंत्री अच्छा खर्च करूँ ठीक से एवं जो प्रशासन खर्च न करूँ दृढ़ कार्यानुषान निजा एम प्रशासन ना सरकार को एक बदनाम कर टा खर्च कर पार ना कौन सरकार दौनी अरे टाँचा पड़ी नीलिमा देखिपे ये जो साधारण लोकों प्रतिक्रिया जेहतु टाँचा आसी कि खर्च हो पार नहीं आ कि प्रतिक्रिया ना आज्ञा जो टाँचा केन्द्र दौरान राज्य सरकार कौन खर्च करेंद्रीय टीम जो आसा को बीतीगला 7 ऊर्ध दिन तेणुतापुर केन्द्र टीम कौन अनुधान करेंगे लोके केमी देखेबे कि क्षय क्षति अच्छे से संपर्क में प्रतिक्रिया नि हाँ निश्चित भाव में नीलिमा आम से ही संपर्क प्रतिक्रिया ना आज्ञा जो बात्या तो गला 11 दिन ऊर्ध हो बात्या यस गला जो क्षय क्षति होती वर्तमान जो केन्द्र टीम आसवे वर्तमान जो केन्द्र टीम कौन परिदर्शन करेंगे कौन देखिए केन्द्रीय टीम देखिए सी आसवे देखिए आम बेस अफेक्टेड धामेरा बाद्यपुर बालेश्वर ये सब होदर्शन कर देखिए प्रकृत आम शह शह घर हजार हजार जगह सब जलबंदी अच्छे एपर्त ठीक भाव में प्रकृत भाव केन्द्र दे सफिसीयंट सहायता को राज्य सरकार उपयोग कर पार ना दौना ए जिला प्रशासन पूरा स्थाणुता राज्य सरकार स्थाणुता आमर नवीन पट्टनायक डिंडम पिटुच्च स्वच्छ सरकार आम 5G सरकार कितना प्रकृत सीए किसी करूना ब्यूरोक्रेट कर ब्यूरोक्रेट जी आम जिलापा अच्छा जिला प्रशासन अच्छा राज्य सरकार अच्छा से ब्यूरोक्रेट अंडे चलते तो से स्पृहा ना लोक मूँ साय कर केवल गोटे लोक देखाणिया मिछे जो गोटे डिनिम पिटीमा सी जाए आम करते जितेबाला बर्तमान 1190 कोटी टाँचा आगुरी अच्छी आम पूर्व इपर जमी आमफान आसिया आम जो यस आसिया पूर्व मोदी इमिडियेट 641 कोटी टाँग देपर आसे भिजिट कले बुलिले सब देखिले बसिले सर्वे कले मीटिंग कले नवीन पट्टनायक मना कला सहित से पाँच यह 2300 कोटी टाँग दे कहतु 2300 कोटी टाँचा जदि प्रकृत विनियोग कराता जदि रैपिडली रैपिड एक्शन भाया तो सब लोग उपकृत होते आईलाकर केन्द्रीय टीम आईला देखी था प्रकृत हिताधिकार पाई तार कौन लाभ क्षति घर कार उड़ी कार घर बुड़ी कार दुकान घर जाए पाता रिलीफ सफिसीयंट दिखाई पा सफिसीयंट मैं दिता से सब कौन तत्परता ना कौन आंतरिक उद्योग ना खाली मेट्री कथ लोक बेस क्षोभ रही तो देखार कथ आज जो सेन्ट्राल टीम गस्त कर
कोई जगह परिदर्शन करमि भाव में परिदर्शन करेंगे कौन आकलन करेंगे तापर समस्त नजर। धन्यवाद दीप्ति। रिक्लाम प्रतिनिधि दीप्ति रंजन। खबर जारी रहा समय छेक ब्रेक रहा। देश में कोरोनार द्वितीय लहर नियंत्रण को आसी आक्रांतों संख्या लगातार कमार लगी। गत 24 घंटे 1,636 जन संक्रमित चिन्हट होती सेपटे 2,427 जन मुंड नहीं कोरोना। देश में मोट संक्रमितों संख्या 2,99,975 पहुंची। से 2,71,69,180 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होता जमापड़ एजावत मोट 3,50,686 जन कोरोन प्राण हर सेपटे 23,86,482 जन टीका नहीं जमापड़। राज्य में कमुची कोरोना संक्रमण तलमुहा कोरोना ग्राफ गत 24 घंटे 6,118 नुआ संक्रमित चिन्हट होती। कटक जिलूार सर्वाधिक 640 आक्रांत चिन्हट होती। जाजपुर 563, खोर्धु 495, अनुगुल 416, मयूरभंज 384 जन पॉजिटिव होती। नुआ आक्रांत विषय राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या 8,19,214 पहुंची। यह भितर 7,39,376 जन सुस्थ हो 76,750 जन एवं चिकित्साधीन अच्छा। से 24 घंटे 41 कोरोना आक्रांत मृत्यु हो राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3,000 अतिक्रम कर राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3,035 को वृद्धि पाई। देश में तृतीय लहर में पिलामाने अधिक आक्रांत होगा आशंका रही। एथिपाई पिलांको किपरि आगुआ टीका दिया जाय परिबो सेथिपाई उद्यम आरंभ होई छि। दिल्ली एम्स रे पिलांको थारे कोवैक्सीन परीक्षा पई आजिठो आरंभ होबो स्क्रीनिंग प्रक्रिया। 2-8 वर्षर पिलांको पई टीकाकरण उपयुक्त किनुहे ता जांच करा जाय। सेबरी पटना एम्स रे आउ 7 जण पिलांको कोवैक्सीन टीका दिया जाय छि। जून 3 तारीख रे पटना एम्स रे 2-18 वर्ष पिलांको थारे टीका परीक्षण आरंभ होता। प्रथम दिन 3 जण शिशु को कोरोना टीका दिया जाय थिला। अधिकरु अधिक लोकंकु टीकाकरण करा न गले तृतीय लहर अधिक विनाशकारी होई पारे बोली विशेषज्ञ माने चेतावनी देछंती। या पिलामानुकु अधिक संक्रमित करि पारे। किछि दिन पूर्वरु एम्स पटना रे भारत बायोटेक टीका अनुमोदन पाइबा परे शिशु रोग परीक्षा आरंभ होई। मे 11 ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया पिलामानक उपरे टीकाकरण रो मानव परीक्षा को अनुमोदन करथिला। ए संपर्क में आलोचना करने आम सहित रही डॉक्टर श्रीकांत कुमार धर स्वास्थ्य विशेषज्ञ। डॉक्टर धर आपको आलोचना को स्वागत करुच्छी। डॉक्टर धर फर्स्ट फेज जदि आम देखा सेकेंड फेज वर्तमान आरंभ हो प्रथम जदि आम देखा 44 वर्ष ऊर्ध ताप 18-44 वर्ष एवं फोकस समस्त कि भाव में 2-18 वर्ष कारण जो तृतीय लहर आसवर जो संभावना रही है से सबुठ अधिक प्रभावित हो पारती पाने तेणु ये ह्यूमन ट्रायल आरंभ हो। डॉक्टर धर आप के दूर आशावादी कि यह निश्चित भाव में तृतीय लहर को रोकवे आमको साय कर। हाँ निश्चय आपण जेंदी कहिले तृतीय लहरी आम जो आशा करचु छोट छुआ मानक बेसी संक्रमण हबार संभावना अच्छी। आप देखु B.1.617 जोटा इंडियन स्ट्रेन आप कहते सिंगापुर छोट छुआ मानक बहुत अधिका स्प्रेड करा तेणु अलग देश गुड़िकर छोट छुआ मानक वैक्सीनेशन प्रोसेस इनक्लूड करदे। आप कानाडा कहतु जो 12-16 वर्ष को इनक्लूड कले USA कहतु से फाइजर टीका को छोट छुआ मानक दिगला से मैंने विशेषज्ञ मैंने जहां आशंका करतीय संक्रमण संभवत 18 वर्ष रु तल को संक्रमण हार बहुत अधिक रण एवं आम जो फोकस रोच 18 वर्ष रूर को आम समस्त वैक्सीनेशन करु प्रथम पर्याय आम 60 वर्ष रूर को कले 45 वर्ष ऊर्धव जो मैंने कोमोबिलिटी अच्छी 18 वर्ष रु 45 कले तेणु जो मैंने बर्तमान नन इम्युनाइज रोच जो गोष्ठी सब संवेदनशील रोचे 18 वर्ष रु तल को आशा कराई जो SBI जो ग्रुप जो अमेरिकार ग्रुप जो आकलन कर तृतीय लहर में समान परिमाण इन्फेक्शन हो पारे किंतु छोट छुआ मैंने बेसी संक्रमण हो पारती से आमर जो वैक्सीनेशन ट्रायल गुड़िक बर्तमान छोट छुआ मानक बेसी गुरुत्व दिया जाए अन्य देश भाई आम देश में आम जो स्वच्छ ज्ञानकौशल निर्मित कोवैक्सीन
ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆ ହେଇ ଦେଖା ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଧର ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଆସେ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ବାର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ମାନେ ବାର ବର୍ଷରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ପିଲା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ବାର ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟରରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏମିତିରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ଖୁବ୍ ତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବନି ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 3 ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ କରାହେଲା, 21 ପିଲାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାହେଲା, ତା ଭିତରୁ 12 କିଛିଟା ଆଣ୍ଟିବଡି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥିଲା, ତେଣୁ 9 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି କୌଣସି ସେମିତି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ନାଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ 12-16 କିମ୍ବା 18 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଅନୁବେକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ସମ୍ଭବତଃ ତାପରେ ପୁଣି 6-12 ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ 2-6 ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭାକ୍ସିନର 2 ଟୀକା 28 ଅନ୍ତରରେ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଟୀକା କଣ ଆଜି ଦେଲା ପରେ 28 ଦେଲା ପରେ ଯେ ଦେଖାଗଲା ଭଲ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଧର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଏତ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ରହିଲେ, ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖା ନ କଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ମନ ଭିତରେ କି ହଁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଫେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଯଦି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଲାଉ କାହାକୁ ନ କରାଯାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ NICU କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ICU କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାପା ମା ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ନା, ଆମର ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ବି ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ବାହାରିନି, ତେଣୁ ବେଶୀ ସେନ୍ସିଟିଭ ବର୍ଗର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2-12 ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଡକ୍ଟର ଧର ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଖାଲି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନା ଅଲଗା ଟୀକା ବି ଖୁବ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ସାମୂହିକ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ଏଇ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଛି, କେବଳ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନୁହେଁ, କୋଭାକ୍ସିନ୍ ତ କେବଳ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆଗରୁ ଆମ କୋଭିସିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 12-18 ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାହେଇଛି 300 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଛି, ଫାଇଜର ଟୀକାକୁ ମଧ୍ୟ, ମଡେରା ଟୀକାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି, କାନାଡ଼ା ଫାଇଜର ଟୀକାମାନଙ୍କୁ 12-18 ଦିଆ ସାରିଲାଣି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଲାଣି। ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ 2 ଯେମିତି ଜାଇକୋଭ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନାଜଲ ସ୍ପ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେବାର, ଯେଉଁଟା DNA ଭାଇରସ୍ ରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହବ, ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫାଇଜର ଟୀକାକୁ, ମଡର୍ଣ୍ଣା ଟୀକାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହବ, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହବା। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ମା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବହୁତ କମ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଯୋଉ 21 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ 12 ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆଣ୍ଟିବଡି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ଭୂତାଣୁ, ତମେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଡକ୍ଟର ଧର କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୀକା ଆସୁ, ଏବଂ ଖାସ କରି 2-18 ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଯାହା ମତ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଧର। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। ଶାଳୀକୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ପରେ ଶାଶୁକୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଲାଣୀ ଥାନା କିରିପୁର ଗାଁରୁ। ଏହା ସହିତ ଶାଳୀର ମୃତଦେହକୁ 200 ଫୁଟ ଖାଲକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛି ରୂପ ସିଂ ସିନ୍ଧୁ। ମୁର୍ଗାପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଶାଶୁ ଓ ଶାଳୀ ସହିତ ରୂପ ସିଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ବାଟରେ ଶାଳୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରୁ ରୂପ ସିଂ ମରିୟମଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ବେକକୁ କାଟି 200 ଫୁଟ ଖାଲକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। କୌଶଳକ୍ରମେ ଶାଶୁ ଖସି ଆସି ଜ୍ୱାଇଁ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଘଟଣା ପରେ ରୂପ ସିଂ ଫେରାର ରହିଛି।
ପୁଣି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ। ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଲାଠିପଡ଼ା ବିଟ୍ ଢୌପଲି କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଟିର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସମୟ ଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।